हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर में अपन ने खरपतवार के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? खरपतवार के बारे में। खरपतवार की डेफिनेशन पढ़ ली, कैरेक्टर्स ऑफ वीड पढ़ लिए, खरपतवार की विशेषताएं पढ़ ली, उसके लाभ हानि पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। कल अपन ने खरपतवार विस्तार भी पढ़ लिया। खरपतवार विस्तार किस किस के माध्यम से होता है, इसके बारे में भी पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन खरपतवार गुणन या प्रजनन, यानी खरपतवार का जो प्रजनन होता है वो दो माध्यम के द्वारा होता है। एक तो बीज के द्वारा और एक होता है वनस्पति भागों के द्वारा। यानी जो नए पौधे तैयार होंगे वो किस किस के द्वारा तैयार होंगे? एक तो बीज के द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं और दूसरा होता है वनस्पति भागों के द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा, खरपतवार गुणन। खरपतवार गुणन यानी प्रजनन या प्रसारण, यानी इसे गुणन भी बोल सकते हैं, प्रजनन भी बोल सकते हैं और प्रसारण भी बोल सकते हैं। खरपतवारों का गुणन लिखो इसमें, खरपतवारों का गुणन या प्रसारण दो माध्यम के द्वारा होता है। पहला माध्यम तो हो गया बीज के द्वारा, पहला माध्यम डालो बीज द्वारा। अब बीज के द्वारा चाहे एक वर्ष के प्लांट हो चाहे द्विवर्षीय प्लांट हो, वो अपनी लाइफ साइकिल में वनस्पति वृद्धि करके और प्रजनन अवस्था में जाके किसका उत्पादन करता है? बीज का उत्पादन करता है। क्या करता है? बीज का निर्माण करता है, चाहे वो एक वर्षीय हो चाहे वो द्विवर्षीय हो। वनस्पति वृद्धि करने के बाद वो कौन सी अवस्था में जाएगा, कौन सी स्टेज में जाएगा? प्रजनन वाले स्टेज में जाएगा और बीज का उत्पादन करेगा। लिख लो बेटा इसके बारे में, एक वर्षीय व द्विवर्षीय, एक वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार वनस्पति एक वर्षीय द्विवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र में वनस्पति वृद्धि करके तथा प्रजनन अवस्था में जाकर बीज का निर्माण करते हैं। वृद्धि करके तथा प्रजनन अवस्था में जाकर बीज का निर्माण करते हैं दूसरा भाग पढ़ेंगे वनस्पति भागों द्वारा, दूसरा माध्यम अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही हो चाहे एक वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो। इसमें कुछ खरपतवार होंगे जिनका गुणन और प्रजनन वनस्पति भागों के द्वारा होता है। जैसे वनस्पति भाग तना है, जड़ है, राइजोम है,
प्रकंद है, ट्यूबर है, और क्या नाम से प्रकंद है, सकस है, रनर्स है, ऑफशूट है, इनके माध्यम के द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं। लिख लो कुछ सर्वतारों का गुणन एवं प्रजनन, कुछ सर्वतारों का गुणन व प्रजनन वनस्पति भागों के द्वारा द्वारा होता है, जैसे जैसे राइजोम राइजोम शक्कर ऑफशूट जड़ तना प्रकंद कंद आदि, यानी ये क्या है वनस्पति भाग है, इनके द्वारा नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण, क्या पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण करने से पहले हमें खरपतवार के नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। हेडिंग डालो खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। लिखो इसमें सर्वप्रथम खरपतवार नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों को, सर्वप्रथम खरपतवार नियंत्रण सर्वप्रथम खरपतवार नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है, यानी खरपतवार नियंत्रण करेंगे उससे पहले उनके मुख्य सिद्धांत है उनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। हेडिंग आदो खरपतवार नियंत्रण सिद्धांत, खरपतवार नियंत्रण सिद्धांत। खरपतवार नियंत्रण सिद्धांत पहला सिद्धांत होगा खरपतवारों की प्रकृति, क्या सिद्धांत होगा खरपतवारों की प्रकृति। अब खरपतवारों की प्रकृति में क्या होगा, मान लीजिए कोई जलमग्न वाला खरपतवार है तो उसमें क्या नाम से उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको नष्ट करना है तो उसे क्या नाम से उस क्षेत्र के पानी को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, और पानी के अभाव में क्या हो जाएगा वो सूख जाएगा। जैसे कोई शुष्क जलवायु का खरपतवार है उसके उस एरिया के अंदर क्या भर दो पानी भर दो ताकि वो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। यानी खरपतवारों की प्रकृति का हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्लांट कौन सी प्रकृति का है, यदि हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते कि ये खरपतवार जलमग्न वाला खरपतवार है या शुष्क भूमि का खरपतवार है या कृषि क्षेत्र का खरपतवार है
या एकरसी क्षेत्र का खरपतवार है। इसलिए खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान होना हमें जरूरी होता है। लिख लो, रेगिस्तानी खरपतवारों की रोकथाम के लिए 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 खेत में पानी भर देना चाहिए। खेत में पानी भर के खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। खेत में पानी भर के खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और जलीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए सूखा छोड़ देना चाहिए। कुछ समय के लिए सूखा छोड़ देना चाहिए। सूखा छोड़ देना चाहिए। यह हो गए खरपतवारों की प्रकृति। ये कौन सा सिद्धांत हो गया? पहला सिद्धांत हो गया, यानी हमें खरपतवारों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वो खरपतवार जलीय है या शुष्क कृषि वाला है या अकृषि क्षेत्र वाला है या कृषि क्षेत्र वाला है। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम खरपतवारों का जीवन चक्र, यानी हमें उनके लाइफ साइकिल के बारे में भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि खरपतवार एकवर्षीय है या द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है। यदि खरपतवार द्विवर्षीय है तो उनको पहली वर्ष में नष्ट कर देना चाहिए, वो बीज का उत्पादन ना कर सके। यदि एक वर्ष से खरपतवार है उसे कब नष्ट कर देना चाहिए, यानी जैसे वो बढ़वार करने लगे, जैसे ही वनस्पति वृद्धि करे उससे पहले नहीं कर देना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा पढ़ देखो खरपतवारों के जीवन चक्र, खरपतवारों का जीवन चक्र। लिखो बेटा इसमें एक वर्षीय खरपतवारों को एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने से पहले या बीज बनने से पूर्व नष्ट कर देना चाहिए। अरे फूल आने से पहले और बीज बनने से पहले नष्ट कर देंगे तो क्या वो बढ़ेंगे थोड़ी? अरे वो उनके पौधे तैयार थोड़ी होंगे। इसलिए हमें खरपतवारों की लाइफ साइकिल के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सुसुप्ता अवस्था का ज्ञान, यानी इनके डोरमेंसी का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सुसुप्ता अवस्था का ज्ञान लिखो इसके बारे में भी। कुछ खरपतवारों के बीजों की सुसुप्ता अवस्था काफी लंबी होती है।
सुप्तावस्था काफी लंबी होती है। तीन सिद्धांत पढ़ लिए, पहला सिद्धांत फसल की प्रकृति, दूसरा उसके लाइफ साइकिल और तीसरे उसके डोरमेंसी का ज्ञान हमें होना चाहिए। तीसरा चौथा होगा खरपतवारों की सहनशीलता, खरपतवारों की सहनशीलता। लिखो इसके बारे में भी कि हमें जो खरपतवारों की सेंसिटिव है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि जैसे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो किससे नष्ट किए जा सकते हैं, 240 से नष्ट किए जा सकते हैं, इससे 240 से नष्ट किए जा सकते हैं। और क्या नाम से जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है उनके लिए आइसोप्रोटोन वगैरह का हमें यूज करते हैं। इसलिए खरपतवारों की प्रकृति का हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लिखो बेटा इसके बारे में भी, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पढ़ लिखता हूं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 240 के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार टू फोर्टी से नष्ट हो जाते हैं। टू फोर्टी का पूरा नाम होता है 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं, परंतु सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार परंतु सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, यानी उनकी सहनशीलता के बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत पढ़ेंगे जनन विधियां, जनन विधियां। अब जनन विधि में यह ज्ञान होना चाहिए कि खरपतवारों का जन्म किसके माध्यम से हो रहा है, बीज के माध्यम से होता है या वनस्पति भाग के द्वारा होता है, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यह जिस खरपतवार का बीज जनन बीज के द्वारा हो रहा है तो उसको बीज उत्पादन से पहले नष्ट कर दो, और जिस खरपतवार का जनन वनस्पति भागों के द्वारा होता है तो उसे उगते क्या कर दो, नष्ट कर दो। इसके लिए जनन विधि के बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लिखो कुछ खरपतवार, कुछ खरपतवार जिनका जनन बीजों के द्वारा होता है, जिनका जनन बीजों के द्वारा होता है जैसे उदाहरण ले लो, जैसे सत्यानासी प्याजी, जंगली चौलाई, आदि पौधों के बीज बनने से पूर्व, नष्ट कर देना चाहिए। ये हो गए खरपतवार नियंत्रण के पांच सिद्धांत। पहला सिद्धांत पढ़ लिया था खरपतवार की
तीसरा पढ़ लिया सुसुप्त अवस्था का ज्ञान, चौथा पढ़ लिया खरपतवार की सहनशीलता और पांचवा पढ़ लिया जन्म विद्या। इन सभी के बारे में यदि हमें ज्ञान होगा तो हम खरपतवारों का नियंत्रण आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हेडिंग डालो उन्नत श्रीयों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। दालोटा उन्नत श्रीयों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण, उन्नत सस्विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। उन्नत सस में क्रियाओं को निम्न उद्योग में रेखांकित किया गया है, लिखो उन्नत सस विधियों को निम्न बिंदुओं के द्वारा रेखांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है। पहला पॉइंट देखो जातीय उपयुक्तता, जातीय उपयुक्तता। अब जातीय उपयुक्तता में क्या होगा, हमें फसल की ऐसी जाति का चुनाव करना चाहिए कि वो खरपतवार की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करे, अधिक तेजी से उसमें फूल आए और अधिक तेजी से वो प्रजनन करे। हमें ऐसी जाति का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए अपन ने अच्छी पैदावार वाली अच्छी फसल वाली जाति का चुनाव कर लिया, मान लीजिए अपना फसल का पौधा बड़ा हो गया, खरपतवार का छोटा रह गया, तो क्या होगा, खरपतवार का पौधा छोटा रह जाएगा और हमारी फसल का पौधा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको आसपास के एरिया क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तो जो खरपतवार का पौधा है उसको क्या नहीं मिल पाएगा, हवा पानी वगैरह नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा और भोजन नहीं बनाने की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसी जाति का चुनाव करना चाहिए जो खरपतवार के पौधों की तुलना में क्या हो, अच्छी वृद्धि करने वाला होना चाहिए। इसमें हमें फसलों की ऐसी जातियां उगानी चाहिए, हमें फसलों की ऐसी जातियां उगानी चाहिए, हमें फसलों की ऐसी जातियां उगानी चाहिए जो किसकी तुलना में, खरपतवार के तुलना में, जिनका अंकुरण पड़वार, जिनका अंकुरण एवं पड़वार खरपतवार की तुलना में, अंकुरण एवं पड़वार खरपतवार की तुलना में अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चुनी हुई जाति उस क्षेत्र व प्रकार के अनुकूल होनी चाहिए, उस क्षेत्र के अनुकूल होनी चाहिए।
ये हो गया पहला पॉइंट, यानी जातीय प्रथा से अपन क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बोने की विधि व समय। बोने की विधि व समय, अब बोने की विधि व समय वाला पॉइंट कैसे खरपतवार का नियंत्रण करेगा, यानी खरपतवार अपने सही समय पर ही अंकुरण होते हैं, इसलिए क्या नाम से, यदि फसल की अपन अगेती बुआई कर देंगे तो क्या नाम से खरपतवार हुआ उत्तम हो जाएगा, यदि अपन लेट से बुआई कर देंगे तब भी खरपतवार हुआ क्या हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगा। इसलो बोने की तिथि व समय, बोने की तिथि व समय। इसके बारे में फसलों की सही समय पर बुवाई करने से, फसलों की सही समय पर बुवाई करने से पैदावार अच्छी होती है, यानी अपन फसलों को सही समय पे बोएंगे तो क्या होगा, पैदावार अच्छी होगी। यदि फसल की देर से बुआई करते हैं, देखो यदि फसल की देर से बुआई करते हैं तो बढ़वार भी कम होगी, उस स्थिति में यानी यदि अपन फसल की देर से बुआई करेंगे तो बढ़वार क्या होगी, कम होगी, और खरपतवारों का प्रकोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा होगी और खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये हो गया बोने की तिथि, बोने की तिथि व समय, यानी बुआई फसल की सही समय पे करेंगे तो क्या नाम से अपनी फसल अच्छी पैदावार करेगी, यदि सही समय पे क्या नाम से बुआई नहीं करेंगे तो पैदावार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस स्थिति में खरपतवार अपना प्रकोप बढ़ा देंगे या तेजी से वृद्धि कर जाएंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे फसल चक्र, क्या पढ़ेंगे, फसल चक्र। अब फसल चक्र जैसे कुछ खरपतवार फसल विशेष में नहीं उगते हैं, यदि खेत में लगातार एक फसल को बोया जाता है तो क्या होगा, खरपतवार लगातार उस स्थिति में उगते रहेंगे, फैलने की संभावना अधिक रहती है। निकलो कुछ खरपतवार फसल विशेष में नहीं उगते हैं, कुछ खरपतवार फसल विशेष में उगते हैं, यदि खेत में लगातार एक फसल को बोया जाता है, यदि खेत में लगातार एक फसल को ही बोया जाता है तो खरपतवारों की बढ़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि खरपतवारों की बढ़वार की संभावना अधिक रहती है। आगे अपन फसल चक्र समझ, फसल चक्र में यही होता है
कि फसलों को हेर फेर कर बोना होता है। यदि अपन फसलों को हेर फेर कर नहीं बोएंगे तो क्या होगा, फसलों को हेर फेर कर नहीं बोएंगे और अपन लगातार एक फसल को ही बो रहे हैं तो कुछ खरपतवार क्या करते हैं, कुछ फसल के अंदर ही उगते हैं, कुछ विशेष फसलों के अंदर ही उगते हैं। और यदि खेत में लगातार एक फसल को बोएंगे तो क्या होंगे, वो खरपतवार लगातार क्या नाम से उगते रहेंगे, जिसके कारण फसल क्या नाम से खरपतवार बढ़ने की क्या रहती है संभावना।